और रोड कंडीशन है ना यार सुपर है, लाइक मतलब बोल सकते हैं ना जहाँ ये देखो हेलो एंड गुड मॉर्निंग, दिस इज़ सौरभ और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज डेट है 12th ऑफ सितंबर, नॉट अक्टूबर, सितंबर, और हम लोग अभी निकल गए मुंबई से सावंतवाड़ी के लिए। फैमिली के साथ हूँ, मस्त कार लेके जा रहा हूँ बहुत टाइम बाद। और आज वो मुंबई पुणे हाईवे नहीं लिया है, आज हम लोग ने ओल्ड मुंबई गोवा हाईवे लिया है। तो रोड कंडीशन अभी तक तो ठीक ठाक है, बीच बीच में कुछ ख़राब पैच है बट ओके, इतना कोई इशू नहीं आ रहा है और बारिश नहीं है, मस्त ठीक ठाक ही है सब फिलहाल। और थोड़ा अभी एक ब्रेक लिए थे मुंबई से, कुछ 120 किलोमीटर प्लस ड्राइव किया और ऐसा कुछ व्यू यहाँ पे रुके, पार्टी प्लॉट, अच्छा होटल मानस ढाबा करके। और ये कुछ अपनी गाड़ी की हालत फिलहाल, फुल भर गई है किचड़ से, बाकी अभी देखते और आगे बताता हूँ। तो अभी हम लोग कहीं तो संगमेश्वर में, थोड़ा पहले संगमेश्वर से, और रोड कंडीशन है ना यार सुपर है, लाइक मतलब बोल सकते हैं ना जहाँ अभी तक मुंबई से यहाँ ट्रैवल किया अराउंड 300 किलोमीटर्स हो गए, 295 कुछ हुआ है। तो 295 किलोमीटर से हार्डली 50 किलोमीटर का रोड ख़राब था, बाकी पूरा रोड सही था। और पहले हम लोग रुके थे मानस ढाबा और अभी नॉन स्टॉप कुछ में 150 किलोमीटर चलाया था। एंड अभी हम लोग है श्रद्धा होटल करके, सो ये भी रिकमेंडेड है क्योंकि वॉशरूम बहुत क्लीन है। और इसके पहले भी जहाँ पे रुका था ना हम लोग, वो वाला आई गेस मानस जो 100 किलोमीटर पहले था, तो उसका भी वॉशरूम बहुत क्लीन था। क्योंकि क्या सीन है ना मुंबई गोवा हाईवे पे, वॉशरूम मतलब बोलते ना क्लीन वॉशरूम वाले होटल्स बहुत है, बट मुंबई गोवा हाईवे पे है ना वॉशरूम बोलते ना जहाँ बहुत कम होटल्स है जहाँ पे वॉशरूम क्लीन है, तो उसमें से ये एक होटल था। और अभी कुछ बारिश का माहौल बोलते ना क्लाइमेट हुआ है, वैसा बारिश चाहिए वैसा नहीं है, नॉर्मल बारिश है। और अब बाकी है ऐसा कुछ, कल रात को ही गाड़ी धो के निकले थे, अभी ऐसे है पीछे से देखो ऐसा। तो मिलते आगे। और कशेड़ी घाट में ना दो टनल बने, तो जिनको जिनको पता रहेगा कशेड़ी का पूरा घाटा वो कंप्लीट करने के लिए ना ऑलमोस्ट 40-45 मिनट्स जाता था, जो अभी टनल बन गया उसके बाद डायरेक्टली 10 मिनट्स में पूरा क्लियर हो जाता है। तो कशेड़ी का जो दो टनल था, फिलहाल एक ही टनल से आना जाना हो रहा था, वो भी अभी बोलते ना वो लोग ने आई गेस गणपति की वजह से दोनों टनल ओपन कर दिए। तो हम लोग आज ओपन जो न्यू टनल था ना उसमें से आए, वीडियो पीछे देखा रहेगा वही, या तो मैं आगे फिर से डाल दूंगा वो थोड़ा सा वीडियो उसका, बाकी अभी आगे दिखाता हूँ जो भी रहेगा। ट्राई करूँगा बीच में कहीं रुक के ड्रोन शॉट लेने, फैमिली के साथ हूँ तो मे बी नहीं भी लूँगा, ज़्यादा रुक नहीं पा रहे इधर बीच में। तो फाइनली आफ्टर 12 आवर्स वी आर हियर इन सावंतवाड़ी। अभी मैं बांदा में, अभी यहाँ से घर और हाफ एन आवर पे, तो ये हम लोग का बोलते हैं ना नज़दीक का सबसे नियरेस्ट मार्केट है। तो बस यही मुंबई गोवा हाईवे का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो यहाँ पे एक ब्रिज बन रहा है और अभी हल्का हल्का बारिश चालू है, बाकी अभी जाएंगे घर। Okay.
तो टाइम हुआ है 11:30 और अभी घर जा रहा हूँ। एक्चुअली आज बोलते हैं ना एक भजन रहता है सबके घर पे, तो कल लास्ट डे, कल गणपति का विसर्जन है, तो आज काइंड ऑफ लास्ट डे था, तो दो तीन घर में भजन अटेंड करके अभी रिटर्न जा रहा हूँ। और पूरा मेरा पीछे जैसे देख सकते हो 11:30 हो गया, तो अभी जाके सोएंगे। सुबह 4 बजे उठा था तो ऐसा कुछ था यहाँ पे सेलिब्रेशन। वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय। पीछे का व्यू देखो मेरे गाँव का, कुछ नहीं दिखेगा, ये रोड है बस। कुछ है मेरे गाँव का सीन, फुल सुनसान वीरान ये रोड है। मैं अभी जा रहा हूँ चल के अपनी बैटरी के सहारे।